नमस्ते, वेलकम टू संगीता फैशन। शोल्डर पे ये 3 इंच और यहाँ 3.5, यहाँ पे 2.5 और ये 2.5 इंच के साथ ये स्क्वायर बनाएंगे। देखिए इस तरह से पूरे स्क्वायर बनाने के बाद ये 3.5 इंच में मैंने मार्किंग की है, वहाँ से एक सर्कल आकार देंगे। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने 3 इंच का अंतर लिया था और ये इस तरह से आकार बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से अब इस आकार को सफाई से काटेंगे। अब ये इसको हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए अस्तर का कपड़ा नीचे रखकर ऊपर ब्लाउज का कपड़ा उल्टा रख के उसको पिन से टक कर देंगे। फिर उसके ऊपर 1.5 नंबर के टेप से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से वो पिन की मदद से कपड़ा इधर उधर नहीं जाता है। देखिए ये अब पीठ के नीचे के साइड भी इसी तरह से टिप लगाएंगे। टिप लगाने के बाद इसके छोटे छोटे जहाँ पे सर्कल राउंड है वहाँ पे टिप लगाएंगे और जहाँ पे कॉर्नर आता है, कोना आता है, वहाँ से कट कर लेंगे। इससे गला अच्छी तरह से पलटी हो जाएगा। देखिए इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अभी सभी पिन्स को निकाल कर इसको पलटी करेंगे। इसको अंदर से इस तरह से पलटी कर देंगे। अब एक गले को आकार को उंगली की मदद से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से ये जो कॉर्नर है इसको भी निकालेंगे। अब यहाँ से इस आकार को इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए धीरे धीरे से ऐसे ही आकार को निकाल लेना है। अब देखिए ये पूरा हुआ। अब देखिए इस तरह से ये आकार निकल कर आया है। अब नीचे के साइड भी टिप लगाएंगे।
और ये साइड टिप्स भी। अब नीचे के टक्स लगाएंगे, फिर उसके बाद गोट लगाने के लिए एक पट्टी, दोनों 1.5 इंच की पट्टी ली है मैंने, इसको एक साइड से फोल्ड करके टिप लगाएंगे। अब इसको इस ब्लाउज के फैब्रिक को पलटी करके नीचे के साइड पट्टी रखकर उस पर ये गोट का रखना है, ताकि पीछे से अच्छी तरह से दिख जाए। जहाँ पे हमने पहली टिप लगाई थी वहाँ से ही लगाना, तो गोट अच्छी तरह से आ जाएगा, छोटा सा वाला गोट आ जाएगा। देखिए इस तरह से पट्टी के लिए क्रॉस पट्टी का मटेरियल ले लेना, जहाँ से क्रॉस पट्टी बन सत्तर का कपड़ा निकाल कर क्रॉस पट्टी निकाल लेना, तो गोट को सेल्स नहीं आएंगे। देखिए इस तरह से पूरा कट करके निकालना है। अब इसको पलटी करेंगे, पलटी करके पूरा इस तरह से गोट बनाना है। भी देखिए धीरे धीरे से अंदर का कपड़ा अंदर इस तरह से धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ इसको बनाना है। देखिए इस तरह से ये गोट पूरा हुआ। देखिए इस तरह से गोट को बनाना है। फिर आप इसके ऊपर लेस लगाएंगे, ये ब्लैक बॉर्डर के साथ गोल्डन लेस है, ये आपको किसी भी शॉप में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब ये देखिए इस तरह से उसको मोड़ कर, पहले लेस को मोड़ लेना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर टिप लगानी है। अब ये देखिए इस तरह से ऐसे लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह से गोल घुमाकर उस लेस को लगाना है। अब ये पूरा हुआ। अब ये देखिए इस